काफी अच्छा लगता है इंसान जब अपनी मेहनत से या फिर अपने पैसों से खरीदता है। ऐसा नहीं है कि घर वालों के बगैर लिया है, घर वालों से पूछ के लिया है, उनको बताया कि ऐसा कुछ करना है। बुरान भाई हाँ, 10-20 हज़ार, 20 अराउंड आपने भी खर्चा किया, अभी और 5 हज़ार करने हैं, हो गए 25 हज़ार। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अभी टाइम आ रहा है अराउंड 2 बज रहे हैं। बाहर आज मौसम उतना सही नहीं है, कल मौसम काफी अच्छा था। तो जैसे कि आपको पता है, कल मैं गया था श्रीनगर और हमने लाया था वहां से कैमरा। तो कैमरा के रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि ये जो गोप्रो है ना, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है क्योंकि गोप्रो चीज़ ही ऐसा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। वैसे आपको कल के वीडियो में थोड़ी बहुत पता चल गया होगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन पूरा सेटअप जब इसका माइक का सेटअप होगा ना, उसके बाद आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो खैर, देखते हैं कि आज के इस व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग रहता है। कल गोप्रो लेने के बाद मैं इतना खुश हुआ ना, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब इंसान इतनी, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है, अराउंड 30-40 हज़ार का है। काफ़ी अच्छा लगता है इंसान जब अपनी मेहनत से या फिर अपने पैसों से खरीदता है, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि घर वालों के बगैर लिया है, घर वालों से पूछ के लिया है, उनको बताया कि ऐसा कुछ करना है, उनसे इजाज़त लेने के बाद फिर मैंने ये परचेज़ किया है। बाकी पैसा सब कुछ मेरा अपना था। काफ़ी अच्छा लगता है जब इंसान अपनी कमाई से कुछ चीज़ लेता है, जैसे बाइक ली है, अभी कैमरा लिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो तो ये भी अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना हम कैमरा लाएं और अच्छा सा कंटेंट बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस मेरे को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे आप सपोर्ट करते हो। एक्चुअली गोप्रो का जो हर एक चीज़ ना, वो ना महंगा आता है। इसका अडाप्टर अगर लेंगे ना, वो भी महंगा आता है। इसका हर एक चीज़ ना, वो महंगे आते हैं, क्योंकि गोप्रो की जो क्वालिटी है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। गोप्रो जो ब्रांड है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ कि मैंने इसको पूरा सेट किया, अच्छे से आप एक बार कैमरा को देखो। चलो जी, ये रहा मेरा कैमरा जो कि आप देख सकते हो। ऐसे देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, कितना अच्छा, मतलब हाथ में आराम से आ सकता है। इसके साथ ये जो स्टिक है ना, ये भी इतनी महंगी है ना, आप यकीन नहीं करो, टू बी ऑनेस्ट। इसका प्राइस भी अराउंड मुझे लग रहा है, हाँ यही है, 3-4 हज़ार के करीब है इसका प्राइस, जो सिर्फ इसकी जो ये हैंडल है। ये देखो बर्जा भी खेल है इसके साथ, खेलना है। खैर, ये सब ले लिया, अभी कैमरा भी आया अपने पास जो कि है Hero 11। चलो इतना खर्चा तो कर ही लिया, बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अभी एक चीज़ इसमें पेंडिंग है, वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि पेंडिंग क्या है। अभी पूरा सेटअप तैयार है, अभी मैं इससे सिर्फ डेली व्लॉग कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आईफोन से कर रहा हूँ, अभी मैं इसे सिर्फ डेली व्लॉग कर सकता हूँ। मोटो व्लॉग इससे मैं अभी क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें अभी मुझे माइक चाहिए और साथ के साथ एडाप्टर चाहिए, उसका कॉस्ट भी अराउंड 5000 है, तो आप समझ सकते हो। तो अभी मुझे सोचना पड़ेगा उसके बारे में, इंशाल्लाह रहमान वो भी ले लेंगे, बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है 2-3 दिन या फिर 4 दिन लग जाएंगे वो एडाप्टर और माइक लेने में, क्योंकि वो भी सस्ता नहीं है। साथ के साथ मेरे साथ था बुरहान भाई, तो उसने भी ले लिया कैमरा, तो उसने 8 ले लिया, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं बुरहान भाई से भी मिलता हूँ, तो उसकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। तो आप एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखोगे फिर कॉमेंट नहीं करोगे, प्लीज़ एक बार कॉमेंट कर देना, ठीक है। चलो अभी करते हैं इसको ट्राई, देखते हैं कैसा है। और यहाँ पर बर्जा के नखरे चालू, ये देखो इसको लग रहा है ये इसको झूला है। चेयर की हालत इसने मेरी इतनी ख़राब की है, क्या चाहिए तुम्हें बता, ओ इससे व्लॉगिंग करोगे हाँ। बोल रहे हाँ बरू बर्जा। चलो अभी करते हैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू, लेट्स गो। कल के व्लॉग में कमेंट आया था सदफ शाही की तरफ से, भाई मैं श्रीनगर से हूँ, मेरा नाम भी लेना, मेरा नाम सदफ शाही है, बाकी लव फ्रॉम श्रीनगर। थैंक यू सो मच सदफ जी, दिल से शुक्रिया। बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट होना चाहिए जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, दिल से शुक्रिया। जैसे कि मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, हर एक व्लॉग में एक एक कमेंट पिक करता हूँ, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इंशाल्लाह रहमान हर किसी की कॉमेंट में पिक करूंगा। मीनवाइल चलो जी गाइज, अभी मैं आया बाहर, बाहर मौसम उतना सही नहीं है और मैं ये शूट कर रहा हूँ गोप्रो से, तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, उतनी सारी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है।
चलो अभी करते हैं GoPro को भी टेस्ट अच्छे से, बाइक पे भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। चलो आज ना वैसे भी घर में काम चल रहा है तो यहाँ से हमने ये सब कर दिया। अली आंदा ठीक हो? शुक्र सर ठीक। क्या होना मौसम क्या होना अच्छा रूद पे खतरे ना यहाँ पे ना गाड़ी में हुआ है एक्चुअली पंचर, तो इसको पंचर भी निकालते हैं। पूरे टायर में ना हवा ही नहीं है ये देखो, अब इसको टायर भी चेंज करना है। चलो ये सब भी करते हैं साथ के साथ। पता नहीं गाड़ी में पंचर क्यों हो गया आज, तो काफ़ी मुझे लग रहा है पहली बार हुआ है पंचर जब से हमने लाई है। मैंने आज देखा है इसका टायर ना बैठा हुआ है। खैर अब इसको भी करते हैं अच्छे से ठीक। मौसम देखो यार, मौसम पता नहीं आज इतना ख़राब क्यों है, मौसम बिल्कुल साथ नहीं देता है। हमने सोचा था हम जाएंगे ट्रैवल व्लॉग्स करेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी मौसम रहेगा ना तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा ना फिर। चलो इसमें भी खुश होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठीक है, बारिश भी काफ़ी अच्छी है तो दो तीन दिन के अंदर अंदर मौसम काफ़ी अच्छा होगा, उसके बाद हम जाएंगे मोटो व्लॉग्स करेंगे। कैमरा तो हमारे पास आ ही गया, अब सिर्फ मौसम ठीक होना चाहिए उसके बाद हम जाएंगे बाहर और आप लोगों के साथ जो ट्रैवल व्लॉग शेयर करेंगे बाहर, जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह रहमान पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चलो जी अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पहले मैं खाऊंगा खाना, खाना खाने के बाद मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत बाहर क्योंकि मुझे काम है, मार्केट भी जाना है, सामान भी लेना है, साथ के साथ बर्ज़ा के लिए फूड भी लेना है। फूड ख़त्म हो गया थोड़ा सा है लेकिन उतना नहीं है। चलो पहले खाते हैं खाना, खाना खाने के बाद फिर करते हैं काम जो भी करना है। अभी हम आए हैं बाहर, मेरे साथ है बुरहान भाई। बुरहान भाई क्या लग रहा है, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। कैमरा दिखाना। ये है जी बुरहान भाई का GoPro 8 जो मैंने इसे पहले बताया था आपको। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है जितना हमने देखा है। अभी हमने इससे मोटो व्लॉग नहीं किया क्योंकि हमारे पास पूरा माइक का सेटअप नहीं है ना, वो आ जाएगा उसके बाद। आप लोग देखना कि कितना ज़बरदस्त वीडियोज़ आएंगे। बाकी यहाँ से आप देखो अभी मौसम कैसा हो रहा है भाई साहब, ये देख रहे हो बादल। हाँ अगर धूप होती, अगर धूप होती ना तो GoPro जो लाइटिंग में इसका परफॉर्मेंस है ना इतनी ज़बरदस्त होती है। तो अभी वैसे भी अभी बिल्कुल धूप नहीं है तो अभी क्वालिटी देखो कितनी ज़बरदस्त है ना। ये बिल्कुल धूप अभी नहीं है तो अभी देखो क्वालिटी कैसी है। तो जब धूप अच्छी होती है ना तो अभी इसमें हम वो भी ट्राई करेंगे ना कि हेलमेट में लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है बस आप लोग वीडियो पूरा देखना, आई होप कि आपको वीडियो ना काफ़ी पसंद आएगा। चलो इतना तो खर्चा कर ही लिया बुरहान भाई, 10-20 हज़ार आपने भी खर्चा किया, अभी और 5,000 करने हैं, हो गए 25,000। मेरे को 30,000 हो गया, अभी मेरे को और 5,000 करने हैं, मतलब हो गए 35,000 अराउंड। ये 50-60 हज़ार कर लिया हमने शॉपिंग का लेना। अभी केस भी लाना है ना, मतलब अराउंड 50-60 हज़ार का, मुझे 60-70 हज़ार का ये पूरा सेटअप हो गया। आप देखो कितना मतलब खर्चा करना पड़ा। चलो बस ये शौक होता है इंसान को कि नहीं भाई अगर हम मोटो व्लॉगिंग करेंगे या फिर हम व्लॉगिंग करेंगे तो क्वालिटी होनी चाहिए है ना, लोगों को देखने में ना काफी मजा आए क्योंकि वो फिर अच्छा रहता है जब खुद भी देखता है ना। हाँ इंसान को मजा आता है जब खुद इंसान वीडियो देखता है ना तो फिर मजा आता है, नहीं यार मैंने वीडियो अच्छा बना लिया। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दो कुछ भी सामने आया और बना दो, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो इंशाल्लाह रहमान काफी मजा आएगा। ये है मेरा होम टाउन, ये देखो भाई पहाड़ों पे देखो बादल देखो कैसे, ओ भाई साहब देखो अभी फिर से ताजी बर्फ हुई है तो मौसम फिर से खराब। दो दिन शायद धूप रहेगी ना, नहीं अब तो धूप दिखा रही है, मतलब इससे पहले दो दिन रही ना धूप, इससे पहले फिर दो दिन के बाद फिर से लास्ट था। अभी अभी इंशाल्लाह रहमान हमारा ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट होगा, साथ के साथ हमको एक्सप्लोर भी करने हैं काफ़ी सारे जगह। और इंशाल्लाह रहमान इस साल हम पूरा कुपवारा जो है हिडन प्लेसेस कुपवारा के जो है ना जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है उनको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई, ये याद रखना ठीक है। और क्या इनको बिल्कुल अब इतना किया तो अब बस एक्सप्लोर करना है, सब कुछ है हमारे पास, बाइक भी है कैमरा भी है, अब सिर्फ घर से निकलना है। चलो